इसे ही तो कहते हैं भैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। गजब गर्मी होती है वर्दी की, कोर्ट कानून सब जेब में, बस निकाल ली बंदूक और तान दिए जिसके ऊपर तानना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा मामला क्या है। दरअसल हुआ ये कि बलरामपुर जिले के हरैया थाने में तैनात दारोगा अरुण गौतम बाइक से गुजर रहे थे। इसी दौरान दारोगा की बाइक मोहित कुमार दीक्षित नाम के युवक से टकरा गई, जिसमें दारोगा को चोटें भी आई। गुस्साए दारोगा ने युवक को पहले तो पूरी तरह पीटा और फिर सर्विस रिवाल्वर तान दी। अपने ऊपर बंदूक ताने देख युवक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किसी तरह दारोगा के हाथ पैर जोड़ता बेचारा युवक अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, युवक ने दारोगा को इलाज के पैसे भी दिए, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि दारोगा नशे में था। जिस युवक की बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ वो बंधन बैंक में रिलेशनशिप ऑफर रिकवरी के पद पर तैनात है। इस घटना के बाद युवक इतना डर गया कि वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दारोगा का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए। एएसपी नमता श्रीवास्तव ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए दारोगा पर कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और आरोपी दारोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये एक वीडियो संज्ञान में आया है जो हरैया थाने में एक उप निरीक्षक अरुण गौतम तैनात है उनके संबंध में है, और इस वीडियो और इस पूरे प्रकरण की जांच जो है क्षेत्राधिकारी नगर को दी गई है, वो जांच इस प्रकरण में कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की अनुशासनहीनता जो प्रदर्शित की जा रही है उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।